Hi guys, very good evening to you all and a very happy Raksha Bandhan. आज इस अवसर पे हम कुछ लॉस पढ़ने वाले हैं, कुछ लॉस के बारे में जानेंगे जो कि हमें जानकारी होनी चाहिए. हर महिला को इस बारे में जानकारी होना चाहिए. इवन एवरी सिटीजन शुड ऑल्सो नो दिस, राइट. इन कुछ लॉस पे एक ब्रीफ चर्चा की जाएगी, राइट. और इसको थोड़ा समझेंगे किस प्रकार से बेनिफिट देता है एंड इसमें है क्या, राइट. चलिए तो शुरू करते हैं. जो पांच हमारे लॉज होंगे वो होगा एक अपना मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है. इसके बाद अपना अरेस्ट के बारे में हम समझेंगे, जब अरेस्ट किया जा सकता है महिला को, किन सर्कमस्टांसेस में किया जा सकता है, क्या अरेस्ट किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है. पॉश डिस्कस करेंगे, राइट. तो ये कुछ लॉज है जो अपन डिस्कस करेंगे. पांच लॉज हैं जिनके बारे में आज चर्चा की जाएगी. अब उससे पहले बैकग्राउंड अगर हम जाने तो हमें पता है कि कई वर्षों की अगर अपन समझे, यहां पर 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 वर्षों की हम बात करें, पास्ट की बात करें, तो हमें पता है कि महिलाओं के साथ जो बिहेवियर हुआ है वो सही नहीं है, ठीक है. सही नहीं हुआ है, हमेशा प्रताड़ित किया गया है किसी ना किसी तरीके से. इसीलिए उनको ऊपर लाने के लिए, उनको उठाने के लिए एंड उनकी स्थिति उठाने के लिए, ऊपर लाने के लिए यहां पर कई सारे लॉज लाए गए, ठीक है. B8 पॉश जरूरी था विशाखा गाइडलाइंस के बाद, कि वहां पर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस हो, ठीक है. वहां पर प्रिवेंशन की आवश्यकता है. विशाखा गाइडलाइंस आई, इसके बेसिस पर फिर लॉ बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये अगेन 96 इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फिर अपना मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट हो गया, जो कि अगेन महिलाओं के अधिकार की बात करता है ड्यूरिंग द मेटर्निटी, और मेटर्निटी लीव्स कितनी हो सकती है, कितनी है. प्लस इसमें 2017 का जो अमेंडमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों पे चर्चा की जाएगी आज. इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी वैल्यू डेफिनेटली काफी ज्यादा है, ठीक. क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आया कि महिलाओं को एक लेवल तक लाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि समान अधिकार दिया जाए. बहुत सारे लोग यहाँ पर फेमिनिज्म की बात करते हैं, बट बेसिकली द थिंग इज कि देयर हैज टू बी इक्वल अपॉर्चुनिटी, देयर हैज टू बी इक्वल राइट, ठीक है. पूरी चर्चा का विषय ये है यहाँ पर कि समान अधिकार होना चाहिए. विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, तो उस प्रकार के लॉज भी होना चाहिए. सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, इट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट कि वहां पर ऐसे एक्ट्स भी हो, ऐसे लॉज भी हैं, राइट, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट रियल में भी हो, ठीक. तो स्टार्ट करते हैं अपने लॉ से. फर्स्ट इज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, 1961 का अपना ये एक्ट है, ठीक है. इंपॉर्टेंट एक्ट है, डाउरी की बात करता है. आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है शादी में जरूर आना, राजकुमार राव की मूवी है. वहां पर थोड़ा सा डाउरी से रिलेटेड मामला था. आई होप आप लोगों ने शायद वो मूवी देखी भी होगी, ठीक. तो डाउरी पर्पस क्या है? डाउरी लेना देना दोनों रोकना है, ठीक है. जनरली ये होगा कि एक मैरिज की जो एक पार्टी है वो डिमांड करेगी दूसरी पार्टी से, राइट, कि उनको डाउरी दी जाए. अब डाउरी यहां पर क्या है? डाउरी दिया गया है सेक्शन 2 में ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी कुड बी मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है. किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो गई या कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी हो गया. अच्छा, वैल्यूबल सिक्योरिटी का वही मतलब है यहां पर जो सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी में है, ठीक है, सेम मतलब है. एंड प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एज वेल एज नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है. तो जहां पर वादा किया गया, अग्री किए करे हैं दोनों पार्टीज कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को यहां पर कोई प्रॉपर्टी हो गई, भले मूवेबल हो, इमूवेबल हो, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी देगी, ठीक है. या जो मैरिज की पार्टी, उनके माता पिता, ठीक है. जनरली ये जो है हमारे घर के बड़े बुजुर्ग डिसाइड करते हैं, कई सारी जगहों में ऐसा होता है जो कि गलत है. इसको रोकने के लिए यहां पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, ठीक है. सेक्शन 3 जो है यहां पर इसको ऑफेंस बनाता है. फाइन, बोथ गिविंग और रिसीविंग डाउरी, डाउरी का मतलब सेक्शन 2 में है. 3 में बताया गया है कि बोथ रिसीविंग एंड गिविंग डाउरी इज पनिशेबल.
जिसकी सजा कम से कम 5 साल होगी उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। हाँ डेफिनेटली कोर्ट चाहे यहां पर तो 5 से कम की भी सजा दे सकता है, अदरवाइज इट हैज बीन मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन 3, और बोला गया है कि सजा कम से कम 5 साल की तो होगी, उससे ज्यादा की ही की जाएगी, बल्कि नॉट लेस देन 5 ईयर्स इज द टर्म विच हैज बीन यूज्ड। नाउ सेक्शन 4 प्रोवाइड फॉर द पेनल्टी टू डिमांड डाउरी की। सपोज यहां पर कोई व्यक्ति डिमांड कर रहा है डाउरी, तो वहां पर कितनी सजा होगी, इस चीज का प्रावधान दिया गया। तो वहां बताया गया कि सजा 6 महीने से कम की नहीं होगी, बट इट कैन एक्सटेंड अप टू 2 ईयर्स। तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है, ये बताया गया। तो बेसिकली इसका पूरा पर्पस ये है कि जो विवाह का समय है, मैरिज का समय, उस टाइम पे लेन देन ना हो। फाइन, ये जो डाउरी प्रथा चलती आ रही है, दहेज प्रथा चलती आ रही है, जिस वजह से बहुत सारी महिलाओं को परेशानी होती है, उनके घर वालों को परेशानी होती है। लड़कियों के माता पिता लोन लेते हैं, अपने खेत बेच देते हैं, गाँव में ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि अपने खेत बेच देते हैं सिर्फ लड़कियों की शादी करने के लिए, जो कि डेफिनेटली एक बहुत गलत चलन है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो फीमेल इन्फोर्टिसाइड हुआ है वो यही हुआ है, इन्फेंटिसाइड जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। बिकॉज लोगों को लगता है कि हमारे घर में बेटियां होंगी, हमें दहेज देना पड़ेगा, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, या तो हमारे पास कुछ है भी नहीं वैसे भी, राइट। इस वजह से ये सारी प्रथाएं चालू। जरूरी है दहेज लेना देना दोनों बंद, राइट। हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, बट अगर हम दहेज ले रहे हैं दे रहे हैं तो फिर इसका कोई सेंस नहीं है। फिर इस बारे में बात करना है, इस बारे में चर्चा करना है कि देयर शुड बी वुमेन एम्पावरमेंट, समान अधिकार मिलना चाहिए, नहीं, देन वी आर नॉट लुकिंग टू इट, ठीक है। सिर्फ बोलने से काम नहीं बनेगा, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम इसको अपनी लाइफ में भी लाए, ठीक है। समान अधिकार हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन की बात हो गई, ठीक। तो ये पूरा पर्पज है अपने डाउरी प्रोहिबिशन का। नाउ मूविंग अहेड टू द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961। अब ये किस पे एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल टू द एस्टैब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर एम्प्लॉइज। 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं अगर वहां पर, तो ये मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट वहां पर एप्लीकेबल होता है। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? एलिजिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई महिला जस्ट आई है, अभी 2 दिन 3 दिन हुए और उनको मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट का बेनिफिट मिल पाएगा। क्राइटेरिया दिया है, एंड दैट इज अ वुमेन मस्ट बी वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 80 डेज। कम से कम 80 दिन आपने काम किया हो उस साल, ठीक है, इन द पास्ट 12 मंथ्स। पिछले 12 महीने में कम से कम आपने 80 दिन काम किया हो, तब आप यहां पर रिलैक्सेशन, तब आप यहां पर बेनिफिट ले सकते हैं ऑफ द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, अदरवाइज आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक। तो अपन को यहां पर ध्यान रखना है एप्लीकेबिलिटी, अपन को यहां पर ध्यान रखना है इसकी एलिजिबिलिटी, दैट इज 80 डेज, राइट। 217 का अमेंडमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, क्यों? क्योंकि यहां पर फिर लिमिट बढ़ा दी गई। 217 से पहले 12 हफ्ते था, अब हो गया है 26 हफ्ते, ठीक है, यहां पर दिया है, फाइन, 26 वीक्स। तो 12 हफ्ते से 26 हफ्ता, मतलब बेसिकली डबल कर दिया टाइम पीरियड मेटर्निटी लीव्स का या मेटर्निटी बेनिफिट का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है 80 दिन का टाइम पीरियड यहां पर। मूविंग अहेड टू द थर्ड लॉ विच वी मस्ट नो, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। बहुत रिसेंटली, मतलब आई थिंक पिछले हफ्ते या पिछले 10 दिन में एक मूवी आई है, नेटफ्लिक्स पे है, दैट इज डार्लिंग्स। हो सकता है किसी ने सुना हो सकता है ना सुना हो सकता है किसी ने देखी हो। नाउ इन दैट मूवी अ फीमेल वॉज सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। द हस्बैंड यूज टू गेट ड्रंक एंड बीट हर, बीट हिज वाइफ, जो कि अगेन एक गलत बात है, गलत प्रथा है, किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो, ठीक है। अब यहां पर आप बात कर सकते हैं अलग अलग तरह के अब्यूज की, बी एट वर्बल अब्यूज, बी एट सेक्शुअल अब्यूज, बी एट इमोशनल अब्यूज, ठीक है, किसी भी प्रकार का अब्यूज यहां पर उसमें आ सकता है। अब एप्लीकेबिलिटी किस पर है, एप्लीकेबल किस पर है? किसी भी मदर, सिस्टर, वाइफ या लिव इन पार्टनर, इवन यहां पर लिव इन पार्टनर
भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है वहां पर कि आपकी शादी हुई हो, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता है, ठीक। आगे, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है? हु कैन फाइल द कंप्लेन? द अग्रीव पर्सन डेफिनेटली, द पार्टी द विक्टिम कैन डेफिनेटली फाइल द केस। उसके अलावा उनके बिहाफ पर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया, ठीक है, या कोई भी और व्यक्ति ऑन बिहाफ ऑफ दैट अग्रीव पर्सन शैल मेक एन एप्लीकेशन, वो वहां पर एप्लीकेशन दे सकते हैं। अग्रीव पर्सन या विक्टिम डेफिनेटली उनका तो अधिकार है ही। इसके अलावा उनके बिहाफ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गए, मान लीजिए उनके माता पिता हो गए या भाई बहन हो गए, जो भी वहां पर या कंप्लेन कर सकते हैं या एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। जैसे अगर किसी ने डार्लिंग्स मूवी देखी है तो वहां पर जो महिला है उनकी जो मदर है वो वहां पर उनसे बार बार रिक्वेस्ट करती थी कि आपको पुलिस में कंप्लेन कर देना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस होता है और ये रोज ही होता है। एंड दिस वॉज समथिंग विच वॉज नोन टू द एंटायर लोकैलिटी, राइट। नाउ अब मजिस्ट्रेट की क्लेमिंग वन और मोर लीव्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब कंप्लेन की किसको जाएगी, ठीक है। द कंप्लेन कैन बी फाइल टू द पुलिस ऑफिसर, ये तो एक तरीका है ही कि मैं वहां पर पुलिस ऑफिसर के पास चले जाऊं, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास चले जाऊं, एनजीओ के पास या इवन मजिस्ट्रेट के पास, राइट। अब एफआईआर लिखवा सकते हैं सीधे सीधे, 498A का केस बन जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ठीक है, इसके अलावा 498A भी है, फाइन। डाउरी डेथ होती है तो वो अलग बात है, वो 304B में जाता है, वो अलग चीज है। इसके अलावा 498A तो लग ही जाता है, राइट। हाँ, वहां पर हमें अर्नेश कुमार की जो गाइडलाइंस है, अर्नेश कुमार का जो केस लॉ है, उसको जरूर थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक। नाउ मूविंग अहेड टू द पॉइंट कि अरेस्ट के बारे में, अरेस्ट ऑफ अ वुमेन। इस पे एक वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले लिया भी था, बहुत शॉर्ट वीडियो था वो। अरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो सीआरपीसी में है जनरली, अपन सेक्शन 76 सेक्शन 46 में देखते हैं, राइट। वहां पर दिया है कि किसी भी महिला को वहां पर ऐसा मान लिया जाएगा कि अगर उन्होंने उनकी कस्टडी मान ली जाएगी अगर वो आपके साथ चलने लगे तो, ठीक है। उनको प्रॉपर हैंडकफ्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, फोर्सफुली या उनकी बॉडी टच करने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट टच द पर्सन ऑफ दैट वुमेन, ठीक। इसके अलावा बात की जाए महिला की, तो शी कैनॉट बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट, बिफोर सनराइज, ठीक है। सनसेट के बाद, मतलब सनसेट के बाद, सूर्योदय के पहले, सनराइज के पहले महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर अरेस्ट करना है तो वहां पर एक स्पेशल प्रोसीजर है कि महिला पुलिस ऑफिसर, वुमेन पुलिस ऑफिसर यहां पर राइटिंग में रिटर्न रिपोर्ट देंगी किसको, जेएमएफसी को, एंड जब इसको परमिशन दे दी जाएगी उसके बाद महिला को अरेस्ट किया जा सकता है, राइट। ये एक अधिकार हो गया कि महिला को यूं ही अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। रात के टाइम की बात की जाए तो परमिशन रिक्वायर्ड है, अंटिल अनलेस ऐसा समझ में आता है कि बहुत ग्रेव सर्कमस्टांसेस है और उस महिला को तुरंत अरेस्ट नहीं किया गया तो हो सकता है कि वो महिला भाग जाए, तो अलग बात है। बट इन जनरल वहां पर किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। महिला को अरेस्ट करने के लिए कोशिश यही की जानी चाहिए, प्रैक्टिकल सेंस में बात की जाए तो यही कोशिश होनी चाहिए हमेशा कि एक महिला पुलिस अफसर ही उनको अरेस्ट करे वहां पर, ठीक। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और सीआरपीसी में जाएं तो सेक्शन 160 भी एक प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन या कन्वीनियंस बोल सकते हैं महिलाओं के लिए, दैट इज कि पुलिस ऑफिसर कभी भी किसी महिला को एग्जामिनेशन के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएंगे, ठीक है। वहां पे दो तरह के लोगों की बात की गई है, फाइन। इफ ही इज अ मैन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज या अबाउ 65 ईयर्स ऑफ एज तो उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा, या वहां पर कोई महिला हो तो उनको फिर पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा, उनके रेसिडेंस में ही जाकर उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक। तो ये एक और प्रावधान दिया गया है महिलाओं से रिलेटेड सीआरपीसी में। इसके अलावा जो हमारे जनरल प्रोविजंस है कि अगर अरेस्ट किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, राइट। अरेस्ट करते टाइम आपको बताने पड़ेंगे द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, किस वजह से आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, ये सारी जानकारी तो कॉमन ही है, ये तो होना ही है सबके साथ।
इसके बाद द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 का है ये। अब यहां पर समझना जरूरी है कि कौन से इंस्टीट्यूशंस में हो सकता है, ठीक है, एंड कौन इस पे एक्शन लेता है। जो एक्शन लेता है उनकी पावर कितनी, दैट इज द आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जो होती है उसकी पावर कितनी है, क्या वो एविडेंसेस ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, उस सारी चीजों पर अपन उन सारी बातों पे चर्चा की जाएगी। इट डिफाइंड सेक्सुअल हरासमेंट, इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर कंप्लेंट इंक्वायरी। बेसिकली आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की बात की जाती है कि हर इंस्टीट्यूशन में, हर एस्टैब्लिशमेंट में, राइट, वहां पर एक आईसीसी होना चाहिए, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, राइट। जहां पर भी 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज है तो वहां पर एक आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए, राइट। क्या एक्शन लिए जाएंगे? इट ब्रॉडन्ड द विशाखा गाइडलाइंस विच वर ऑलरेडी इन प्लेस। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अगेन अ लैंडमार्क केस लॉ जब बात की जाती है महिलाओं के अधिकार की, ठीक है, सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, राइट। विशाखा गाइडलाइंस आ गई उनको कॉन्क्रीट करने के लिए, उनको एक लेवल पे लाने के लिए, उनको एक्ट में लाने के लिए यहां पर पॉश आया, ठीक। इसके बाद इट मैंडेटेड दैट एवरी एम्प्लॉयर मस्ट कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी एट ईच ऑफिस और ब्रांच, जहां पर भी 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज है। तो ये एक तरह से एम्प्लॉयर पे ड्यूटी कास्ट कर दी गई है कि उसके पास, उसके एस्टैब्लिशमेंट में जहां पर भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं वहां पर आईसीसी होना चाहिए, कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए। अब इसके बाद जरूरी ये भी है कि जो कंप्लेंट है वो कितने समय में, एक तरह से लिमिटेशन की बात की जाए तो लिमिटेशन में बोला गया यहां पर कि 3 महीने के अंदर अंदर, इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर वहां पर कंप्लेंट कर दी जानी चाहिए, बट दिस टाइम पीरियड कैन डेफिनेटली बी रिलैक्स्ड। ये कोई स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है, राइट, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि 3 महीने के अंदर अगर होगी तो ही उसको कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर जो कंप्लेंट्स कमेटी है पीरियड को रिलैक्स कर सकती है अगर ऐसा केस बनता है तो। द आईसीसी में इधर फॉरवर्ड द विक्टिम्स कंप्लेंट टू द पुलिस, या तो वो पुलिस को भेज दे, अगर पुलिस को फॉरवर्ड कर दे फिर उनका कोई लेना देना नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर पुलिस अपने हिसाब से समझती रहेगी। अदरवाइज What they can do here is they can start an inquiry at their own level and it has to be completed within 90 days. अपने ही यहां पर वो चालू कर सकते हैं इंक्वायरी एंड इट नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 days, ठीक है। नाउ द पावर ऑफ आईसीसी, पावर इज सेम एज दैट ऑफ सिविल कोर्ट। तो जब हम बात करते हैं समन करने की, एविडेंसेस करने की, तो वहां पर पावर है उनके पास एज दैट ऑफ द सिविल कोर्ट, ठीक। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि 90 दिन के अंदर अंदर इस कंप्लेन का समाधान हो जाएगा, ठीक। इसके बाद द आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके रिगार्डिंग और भी चीजें, जैसे आईपीसी में हम बात करते हैं 228A की, फाइन, रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ रेप विक्टिम, वहां पर भी ये पॉइंट दिया गया कि अगर आपने रिवील कर दी आइडेंटिटी ऑफ अ रेप विक्टिम तो सजा का प्रावधान है 228A में, ठीक। इसके अलावा द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन रिस्पॉन्डिंग विटनेस एंड एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंक्वायरी, रिकमेंडेशंस एंड द एक्शन टेकन शुड नॉट बी मेड पब्लिक, राइट। ये जो सारी जानकारी है, रिस्पॉन्डेंट हो गए, विक्टिम जो है, राइट, विटनेसेस जो है, उनमें से किसी की भी आइडेंटिटी पब्लिक नहीं की जाएगी, रिवील नहीं की जाएगी, राइट, क्योंकि बहुत सारे विटनेसेस ऐसे केसेस में यही होता है कि वो डिड नॉट वॉन्ट टू गेट रिवील्ड, दे डू नॉट वॉन्ट देयर आइडेंटिटी टू गेट रिवील्ड, ठीक है। यस, सो विद दिस वी आर डन विद द 5 लॉज। हाँ, मूविंग अहेड टू द जीएमबी। यस, जीएमबी आ चुकी है, आई होप आप लोगों ने परचेज की होगी, अगर नहीं की है तो एक बहुत अच्छा मौका है अभी जीएमबी परचेज करने के लिए। क्यों अभी बताऊंगा, राइट। यहां पर आपको 3 बुकलेट्स मिलेंगे, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड द वन लाइनर्स। पूरी प्री की प्रिपरेशन हो सकती है आपकी विद द जीएमबी, क्योंकि सिविल लॉ दिया है यहां पर, क्रिमिनल लॉ दिया है, वन लाइनर्स दिया है, राइट। फायदा क्यों है अभी खरीदने में? बिकॉज ऑन द ओकेजन ऑफ
75th इंडिपेंडेंस डे, यहां पर यू जस्ट हैव टू पे 75% ऑफ द प्राइस एंड यू कैन गेट योर कॉपी ऑफ जीएमबी। ठीक है, तो 75% प्राइस पे, 75% ऑफ द प्राइस पे आपको जीएमबी मिल जाएगी, जो कि 6,000 की होती बट आपको मिल जाएगी 4,499 पे। तो मेक श्योर कि आप इसका बेनिफिट उठाएं और जल्दी से ग्राब करें अपनी कॉपी ऑफ द जीएमबी। नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग बैच, मॉर्निंग बैच आने वाला है काफी ही जल्दी, राइट? तो मेक श्योर कि आप लगे रहे, 16th of August से नया बैच आ रहा है, मॉर्निंग बैच आ रहा है। सुबह क्लासेस होंगी हमारी 10:30 बजे एक क्लास होगी और एक क्लास होगी 12:15 बजे। ठीक है, तो गेट प्रिपेयर्ड, एनरोल करने वाले थे, बहुत बढ़िया मौका आ रहा है टू गेट एनरोल्ड। एंड डू टेक दी AI JSAT, दैट इज ऑल इंडिया जुडिशियल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। यहां पर दो फायदे हैं, पहला क्योंकि टेस्ट है तो मेरा प्रिपरेशन टेस्ट हो जाएगा कि मैं जो प्रिपेयर कर रहा हूं क्या वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, टू बी ऑनेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, कि मुझे यहां पर 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए तो। सो मेक श्योर कि आप AI JSAT दें, बैचेस जो नहीं आ रहे हैं उसमें एनरोल करें, और अगर आपने अभी तक, अच्छा वन मोर थिंग, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जिस्टिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं, डू नॉट गेट वरीड, उनको वैसे भी जीएमबी मिलेगी, कोई परेशानी की बात नहीं। बाकियों के लिए अगर आपने जीएमबी नहीं खरीदी है तो बहुत अच्छा मौका है, अभी 75% ऑफ द वैल्यू पे आप इसको खरीद सकते हैं, तो बिल्कुल भी लेट ना करें। विद दिस आई एल एंड द सेशन, आई होप आपको ये फ्रूटफुल लगा होगा। मेक श्योर कि आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।